हाँ जी धर्मराज के साथ जाके प्राण वापस ले करके आता है सत्यव्रत मर जाता है मर जाए तो सावित्री जी धर्मराज के साथ जाके उसका प्राण को वापस ले आता है। हाँ तो स्थूल में मर जाता है स्थूल में मर जाता है कि अनिश्चय बुद्धि होके मर जाता है बोध में ही तो बता रहे हैं पूछ रहे हैं तो बताओ कि कैसी मौत मर जाता है मालूम नहीं है तो ये कथाएं कहाँ की हैं संगम युग की तो संगम युग याद नहीं रहता है इसलिए भूल जाते हैं संगम युग याद रहे तो ढेर सारी बातों का जवाब आता रहता है। और समझ में आ गया हाँ दोबारा बोल दो శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అంటారు మరి శివుడు ప్రథముడు కదా శ్రీ లక్ష్మణ్ శ్రీరాముడు శివ శ్రేష్ఠ భ్రష్ట బంతా హ శివ న శ్రేష్ఠ బంతా అగర్ శివ కే ఆగే శ్రీ లగాయంగే తో ఉసే భ్రష్ట భీ బన్నా పడే నవో శ్రేష్ఠ బంతా హై ఔర్ నవో भ्रष्ट बनता है इसलिए शिव के नाम से पहले श्रेष्ठ नहीं लगाते। और इतनी जोर से तो बोलो जो टेप रिकॉर्डर में आ जाए ज्ञान का शब्द पहले आता है। हाँ जी है मुख्य जो सब्जेक्ट है वो याद का है लेकिन याद बिना ज्ञान के नहीं आ सकती। जब तक ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक याद की यात्रा में कोई टिक ही नहीं सकता। तो ज्ञान पहले या याद पहले? पहले क्या? पहले याद, पहले ज्ञान। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगी, ज्ञान माने जानकारी, तब ही याद आएगी। याद मुख्य जरूर है सब्जेक्ट में लेकिन याद भी ठहरेगी तब जब ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। तो ज्ञान इज फर्स्ट क्योंकि जिसकी याद करना है वो हमें क्या देता है? अरे कुछ देता है कि नहीं प्रैक्टिकल में है? अरे कुछ दे आता है तो कुछ देता है। क्या देता है? ज्ञान देता है। जब तक वो ज्ञान नहीं देगा तब तक हमारी याद टिक ही नहीं सकती। और उसकी जानकारी वो ही दे सकता है, उसके अलावा उसकी जानकारी कोई दे ही नहीं सकता। पांच सौ करोड़ मनुष्य कुछ न कुछ अपना ज्ञान सुनाते रहते हैं लेकिन उससे कल्याण नहीं होता। किससे कल्याण होता है? बाप की जो देन है
जिसलिए बोला है मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार। तो मुरली माने ज्ञान, और धर्मराज है कौन? कौन है ब्रह्मा बाबा? गलती कर सकता है कि नहीं है? ब्रह्मा बाबा ज्ञान में ज्यादा तीखा है या सत्यवान ज्यादा ज्ञान में तीखा है? सत्यवान ज्ञान में ज्यादा तीखा है। तो गलती धर्मराज से होगी या सत्यवान से होगी? सत्यवान की गलती यही है कि लकड़ बुद्धियों को काटता रहता है, पत्थर बुद्धियों को काटने में लगा रहता है। मुसलमानों ने दिखाया है पत्थर के पहाड़ को काट के नदी निकाली, अब पत्थर के पहाड़ को कौन काटेगा? जैसे नाम दे दिया है हिमालय पहाड़, तो कोई जड़ पहाड़ की बात थोड़ी ही है जिस हिमालय की पुत्री पार्वती गाई हुई है। कोई अति पत्थर बुद्धि है जिसकी बुद्धि में बाप का ज्ञान नहीं बैठता, बाप को नहीं पहचान पाता, इतना बड़ा पत्थर बुद्धि है पहाड़ जैसा। तो गलती करेगा फिर? प्योरिटी की पावर से वो गलती प्रत्यक्ष हो जाती है। हाँ है? है? हाँ हाँ पवित्र बुद्धि थी तो बाप को पहचाना, बाप की पहचान का ज्ञान हुआ होना चाहिए, हुआ अभी तक भी हुआ है। गीता का भगवान पहचाना, पवित्र बुद्धि ब्रह्मा की हो सकती है, पुरुष की हो सकती है या ब्रह्मा की बेटी की हो सकती है? बेटी की हो सकती है। ब्रह्मा है चंद्र, चंद्रवंशी है राधा, राधा है स्त्री चोला, वो है जन्मजात कुमारी, उसकी बुद्धि पवित्र हो सकती है। ब्रह्मा की भी अगर बुद्धि पवित्र होती तो मूर्तियां पूजी जाती, मूर्तियां बनाई जाती, मंदिर बनाए जाते, पूजन होता, प्योरिटी का पूजन होता है, इम्प्योरिटी का पूजन थोड़ा ही होता है। वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करता है तब जगदम्बा के रूप में पूजन होता है। और धर्मराज क्यों रखते? क्यों रखते?
सत्यवादी को क्यों रखते हैं? सत्यवादी को धर्मराज क्यों नहीं बनाया? ऐसी गलती नहीं, सत्यवादी को धर्मराज क्यों नहीं बनाया? हाँ, क्योंकि धारणा का पाठ शिव बाबा का नहीं है। शिव बाबा धारणा नहीं करता है, शिव बाबा धारणा कराता है, खुद नहीं करता है। समर्थ को नहीं दोष घुसाई, रवि पावक जल सम की नहीं। जो समर्थ होता है उसे दोष ही नहीं लगता। तो योग बल से सत्यवान सत्य बनता है। योग बल बड़ी चीज है। वो योग बल सावित्री के पास नहीं होता, वो धर्मराज के पास भी नहीं होता। पहचान ही नहीं है तो होगा कहां से? और धर्म के ऊपर राजाई करने वाला, धर्म का रक्षा करने वाला। ठीक है, गलती की है तो धर्म की रक्षा कैसे? जब संपन्न हो जाएगा तो गलती नहीं करेगा। धर्मराज है मेरा राइट हैंड। ये राइट हैंड का पार्ट बाद में है, संपन्न स्टेज पाने पर या अधूरी स्टेज पर है। अभी तो धर्मराज का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधूरी स्टेज है। वो आत्मा अभी अधूरा पुरुषार्थी है। संपन्न पुरुषार्थी बने। और आपने कहा कि बाबा पावरफुल है, माया भी पावरफुल है, और ड्रामा भी, माया भी पावरफुल है। हाँ, ये कौन पावरफुल है? अभी क्लियर होगा, अभी क्लियर हो रहा है ना। अभी शिव बाबा बच्चों का छत्र छाया माफिक सुरक्षा कर रहा है, फिर भी बच्चे हारते जा रहे हैं या जीत होती जा रही है? हैं? हारते जा रहे हैं तो कौन पावरफुल है? अभी कहेंगे माया पावरफुल है। जब बच्चों का पुरुषार्थ संपन्न स्टेज पर पहुंच जाएगा तो कौन पावरफुल हो जाएगा? तो बाप पावरफुल कहा जाएगा। और ये तो निश्चित है कि आखिरी जीत किसकी होगी? है, आखिरी जीत बच्चों की होनी है। बीच में माया पावरफुल है। माया को टाइटल मिला हुआ है सर्वशक्तिमान का। और बाहर सफर में जाते हैं तो मुंह पर रूमाल रखना श्रीमत नहीं है, ऐसे कुछ है? ऐसी कोई बात है? है? कोई मुरली में ऐसा डायरेक्शन है कि सफर में जाना है तो मुंह पर रूमाल नहीं रखना है? अरे बदबू आएगी तो रूमाल नहीं रखेंगे? क्या क्या लिखते रहते हैं तो आपको पूरा नहीं पड़े बाबा। हाँ, बार बार बोलते हैं, टार्चरिंग करते हैं। क्या टार्चरिंग करते हैं? टचिंग करते हैं, बार बार बोलते हैं, टचिंग करते हैं। टार्चर है ही नहीं। नहीं बाबा, हम
हमेशा बार-बार आत्मा समझो रूमाल क्यों रखते हो ऐसे साथ में जाए। कौन कहता है रूमाल क्यों रखते है? ये श्रीमत किसे कहा जाता है ये तो पक्का कर लो पहले। मनुष्यों की कही हुई बात को श्रीमत कहा जाता है या ब्रह्मा मुख से जो बोला गया है वो श्रीमत है? ब्रह्मा मुख से जो बोला गया है। मनुष्य कोई कुछ भी कह देंगे तो वो श्रीमत हो जाएगी। कलयुग में सभी देवताओं की पूजा हो रही है तो उसकी अनुभूति हम बच्चों को होती है क्या? जैसे हम बच्चे कोई देवता बन गए। क्या मनुष्य बीज जानवर बीज वेदों में तो है नहीं शास्त्रों में है नहीं पुराणों में है नहीं तो प्रूफ कैसा है? माना वेदों में शास्त्रों में पुराणों में बात आई है तो प्रूफ मानेंगे। अगर वेदों में शास्त्रों में पुराणों में बात नहीं आई है बाबा की मुरली में आई है तो हम उसको प्रमाण नहीं मानेंगे प्रूफ नहीं मानेंगे। ऐसे है क्या? है ऐसा तो नहीं है। होना ये चाहिए वेद है सबसे बड़े से बड़े शास्त्र पुराने से पुराने ओल्ड इज गोल्ड शास्त्र और वो वेद नहीं जो मनुष्यों ने लिखे हैं। असली वेद वो जो ब्रह्मा मुख से निकले हैं। तो ब्रह्मा किसको माने? जिस चार भुजा वाले चार मुंह वाले दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को चित्रों में दिखाया है उस ब्रह्मा का तो कोई अता पता नहीं है लेकिन दादा लेखराज ब्रह्मा का तो अता पता है। दुनिया में कोई ऐसी संस्था है जो इतने कम टाइम में सारे विश्व में फैल गई हो? कोई ऐसी धार्मिक संस्था है? नहीं है। उस धार्मिक संस्था का जो प्रणेता है वो पावरफुल हुआ ना। सारी दुनिया में ये ज्ञान तेजी से फैलता जा रहा है और ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा को मानना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकल में सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए और फैलते जा रहे हैं तो ब्रह्मा को प्रैक्टिकल में मानेंगे? नहीं। ब्रह्मा को मानेंगे तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी को भी वेदवाणी मानना पड़े। तो वेदवाणी में तो प्रूफ है क्या कि मनुष्य आत्माओं का भी बीज होता है जानवरों का भी बीज होता है पक्षियों का भी बीज होता है कीड़े मकोड़ों का भी बीज होता है वृक्षों के तो बीज होते ही हैं। जब नई सृष्टि का आरंभ होता है तो मनुष्य सृष्टि में से हर प्रकार का बीज सुरक्षित रखा जाता है। उन बीज रूप मनुष्य आत्माओं के द्वारा ही नई सृष्टि की शुरुआत होती है क्योंकि बीज का कभी नाश नहीं होता।
बीज पत्थर में भी डाल दिया जाए तो भी पड़ा रहेगा, पानी मिलेगा नमी मिलेगी तो उगेगा, नहीं मिलेगी नमी तो नहीं उगेगा, मौसम आएगा तो उगेगा, मौसम नहीं आएगा तो नहीं उगेगा। चाणक्य सीरियल में दिखाया है कि विष्णुगुप्त को सुसिद्धार्थक गुप्त रूप में सच्चाई के लिए सहयोग दिया, तो यहाँ वेद में सुसिद्धार्थक का पार्ट किसका है? है ब्राह्मणों की दुनिया में कोई सीआईडी है कि नहीं है? है ब्राह्मणों की दुनिया में भी सीआईडी है? उन सीआईडीज में कोई ऐसा सीआईडी है जो विष्णु गुप्त कहा जाता है? कैसा विष्णु? गुप्त विष्णु। प्रत्यक्ष विष्णु किसको कहा जाता है? प्रत्यक्ष विष्णु है सत्यों के लक्ष्मी नारायण, और गुप्त विष्णु है संगमयुग लक्ष्मी नारायण। वो कोई विष्णु के रूप में देखने में तो नहीं आते, उनको ताज होता है क्या? तामझाम होता है क्या? कुछ नहीं होता है, फिर भी है उनका स्वरूप विष्णु का, क्योंकि पांचों आत्माओं का सम्मिलित संस्कार स्वभाव का रूप ही विष्णु है। तो जो राम वाली आत्मा है और उनकी सहयोगिनी शक्ति है, जो संगम युग का लक्ष्मी नारायण है, वो ही गुप्त विष्णु विष्णुगुप्त है जो चाणक्य का पार्ट बजाता है, और उसके कार्य में कोई गुप्त रूप से सहयोग देने वाला भी ऐसा है। जो टाइम आने पर प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पुरुषार्थ जितना गुप्त होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। दान मान पद सर्विस सब गुप्त, अगर प्रत्यक्ष हो गया तो उसकी पावर कम हो जाती है। तो जरूर अष्टदेवों में से कोई ऐसी आत्मा भी निकलनी है। सो माने सुंदर, सिद्ध माने सिद्ध करने वाला, अर्थ माने अर्थ को, अर्थ को बड़ी सुंदरता से सिद्ध कर दे प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा, उसका नाम दे दिया है सुसिद्धार्थक। काशी में विष्णु आकर अपनी आंसू से पूरी काशी को डुबा दिया। अब ब्राह्मणों की दुनिया में वो विष्णु कौन है? जो नई दुनिया बनाने वाली काशी को दुख की दुनिया में कन्वर्ट करने में सहयोगी बन जाता है।
विष्णु के दो रूप हैं, एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण, एक संगमयुगी लक्ष्मी नारायण। तो वो विष्णु कौन है, गुप्त विष्णु है या प्रत्यक्ष विष्णु है? है जो आंसू में काशी नगरी को डुबोते डुबाया हुआ दिखाया गया है। अरे ब्रह्मा बाबा दो तरफा पार्ट बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? हैं? बजा रहे हैं, बजा रहे हैं ना। तो एक तरफ जहां पार्ट बजा रहे हैं वो नई दुनिया बनाने वालों का विरोधी पार्ट है या सहयोगी पार्ट है? विरोधी पार्ट है। जब वो माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा मोह में आती है तो बेसिक वाले जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अधूरे पुरुषार्थी, बाप की अधूरी पहचान वाले, उनको सहयोग देती है या नहीं देती है? देती है, देती है। सहयोग तो देती है, रो रो के सहयोग देती है या खुशी खुशी सहयोग देती है? क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि सच्चाई कहाँ है। तो आंसू की धार बहती है, उसमें उन विरोधियों को सहयोग मिलता है। काशी नगरी दुखों के पहाड़ में डूबती है क्योंकि पहली पहली परीक्षा पहले नंबर के ग्रुप में आवेगी या बीच वाले और लास्ट वाले ग्रुप में आवेगी? पहले ग्रुप में आएगी। पहले परीक्षा तो सूर्यवंशियों पर आनी चाहिए। तो परीक्षा का पहाड़ टूटता है, दुखों के पहाड़ टूटते हैं और उन दुखों के पहाड़ों में जलमयी में वो नगरी डूब जाती है। फिर दिखाते हैं एक शिवलिंग ऊपर ले आए, जलमयी से जिसमें काशी डूबी हुई है उसमें से एक शिवलिंग ऊपर आया। माया की जब लास्ट परीक्षा होगी, फाइनल पेपर होगा, तो माया किसी को छोड़ेगी क्या? जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों में से जो पहला मणका है उसको छोड़ देगी? उसको भी नहीं छोड़ेगी। परंतु ज्ञान तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई की बुद्धि में ज्ञान की बात जल्दी कैच कर ली जाती है और कोई की बुद्धि में ज्ञान की बात जल्दी कैच नहीं होती। तो कैच करने वालों में जो अव्वल नंबर का मणका है वो ही पहले आएगा आंसुओं की धार से ऊपर, क्योंकि ज्ञान होता ही है हर परिस्थिति में। अपने को सेटलमेंट करने वाला, कैसी भी परीक्षा आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, उस समस्या में ज्ञान के आधार पर अपने को स्थिर कर लेना। तो पहले पहले वो आत्मा अपने को स्थिर बनाती है,
उस स्थिरता के आधार पर वो पहले पहले ऊपर आ जाती है। जिसको कहा कि वो शिवलिंग पहले ऊपर आया, फिर शंकर जी ने आंसू को हटा दिया। अब भक्ति मार्ग में शंकर को भगवान के रूप में मान लिया है, तो वास्तव में हटाने वाला कौन हुआ, शंकर हुआ या शिव हुआ? शिव है। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है तो दुख की सारी बातें हट जाती हैं। दुख का नाम निशान नहीं रह जाए, ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हो। तो आंसू को हटा दिया। और भगवान स्वयं इस शिवलिंग में प्रवेश हो गए। तो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो संगम युग की बातें हैं। त्रेता में राम सीता सीताराम हो जावेंगे, क्योंकि राम का पुरुषार्थ कम है ना। तो सीताराम कहा जाता है, नहीं तो राम सीता कहा जाना चाहिए या सीताराम कहा जाना चाहिए? है सीता सीताराम कहा जाता है, राधा कृष्ण कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है, लेकिन शंकर पार्वती कहा जाता है। सीता का राम, तो सीताराम होता तो सीता का राम होता। जो कहते बड़ा है उसको पहले लिया जाता है। हाँ राम से सीता का पहचान करते हैं। राम से सीता का पहचान करते हैं, माने खेलिए से सीता की पहचान होती है। सीता का राम कहा जाता है? नहीं नहीं, इसलिए कहा जाता है कि शंकर पार्वती में जो शंकर पहले है उसमें शिव प्रवेश है, वो भगवान का असली रूप है। इसलिए शंकर का नाम पहले और पार्वती का नाम बाद में, और जो राधा कृष्ण है उनमें शिव प्रवेश नहीं है, सीताराम में शिव प्रवेश नहीं है, लक्ष्मी नारायण में शिव प्रवेश नहीं है। इसलिए नाम पहले किसका है? प्योरिटी का नाम पहले है। है हाँ, पार्वती का परमेश्वर बार्थ दूसरा हो जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, वो जगत के पितर हैं, मात पिता हैं। इसलिए पार्वती परमेश्वरो कहा जाता है। परमेश्वर जो है वो इस सृष्टि पर आकर के क्या बनता है? परम ईश्वर बनता है। ईश्वर प्रैक्टिकल में बनता है या बिंदी रूप में बनता है? प्रैक्टिकल में बनता है। तो पहली पहली पार्वती कौन हुई? शिव भगवान है पहली पार्वती। तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, मुरली में आता है ना, तुम सब क्या हो? तो तुम जब कहा तो राम वाली आत्मा को छोड़ दिया क्या? छोड़ दिया या ले लिया? वो भी ले लिया।
माने राम वाली आत्मा तो पहले पार्वती है, पार लगाने वाली है या डुबोने वाली है, वो भी पार लगाने वाली है। तुम सब पार्वतियां हो, उनमें राम वाली आत्मा पहले पहले है, इसलिए शिव की प्रवृत्ति, शिव की युगल जोड़ी पहले पहले नंबर में शंकर के साथ है। शंकर पार्वती को पहला पहला युगल कहेंगे, लेकिन बाप कहते हैं कि शंकर पार्वती तो युगल जोड़ी है ही नहीं। शंकर पार्वती भाई बहन है, प्रैक्टिकल में एक बाप की संतान है या जोगल जुगल जोड़ी है? एक बाप की संतान है। तो शिव की जुगल जोड़ी किसके साथ है? अरे बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं? शिव शंकर बोले ना, शिव की जोड़ी शंकर के साथ है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव के साथ अगर नाम लिया जाएगा जोड़ी के रूप में तो किसका नाम लिया जाएगा? शंकर के साथ नाम लिया जाएगा, दूसरा किसी के साथ नाम नहीं लिया जाता। शिव पार्वती नहीं कहते हैं। तो बाबा सिख धर्म का इनसे गुरु नानक से ऐसा नहीं है? सिख धर्म हाँ, ये सीखो ना। क्या बात सीखो? कि सच्चाई से ना न करो, सच्चाई को मानने से कभी भी ना न करो। ये बात किसने सिखाई? नानक ने सिखाई, इसलिए उनका नाम नानक पड़ा। जो सच्चाई को मानने से कभी ना नहीं किया, ये सिखामणी किसने दी? एक ही विधर्मियों के बीच में एक धर्म पिता ऐसा है जिसने ये सिखामणी दी, और सब धर्म पिताएं झूठ को फॉलो करने वाले हैं। सत्य सनातन धर्म की सच्चाई को किसी ने भी फॉलो नहीं किया, एक सिख धर्म ने फॉलो किया है। तो फिर बाबा का कहना है आत्मा की पहचान शरीर से होती है, आत्मा की पहचान शरीर से होती है, और आत्मा इन आंखों से देखती है। जब आत्मा परमधाम से आना है तो उसको आंखें दिखती है, तो कैसे पहचाने की है? इसी मेरे यही शरीर से मेरा धर्म स्थापन होगा। अरे उस आत्मा की तो बात ही छोड़ दो, रोजमर्रे के जीवन में जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वो कैसे अपने गर्भ में प्रवेश कर जाता है? उसको आंखें होती हैं? तो तुम वो तो उस आत्मा की बात कर रहे हो जो धर्म पिताओं में सबसे ऊंचा धर्म पिता है। साधारण आत्माओं में भी जब ये शिफ्ट है कि वो अपने संस्कार वाले ही गर्भ में प्रवेश करेंगी, गर्भपिंड में प्रवेश करेंगी, दूसरे में प्रवेश नहीं। हम रोजमर्रे के जीवन में देखते हैं कोई भूत प्रेत होता है, सब में प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं करेगा। उसका जो घोड़ा होगा पूर्व जन्मों के हिसाब से उसी में प्रवेश करेगा। तो उस आत्मा में संस्कार हैं। वो समय की सुई जब घूमती है तो वो आत्मा उसी व्यक्तित्व में आके प्रवेश करेगी जिसमें उसको प्रवेश करना है, दूसरे में प्रवेश नहीं करेगी। और शंकर कैसे होगा? शंकर और नारायण में फर्क क्या है? कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? नारायण संपूर्ण स्टेज है और शंकर याद करने की स्टेज है। याद अपूर्ण करेगा या संपूर्ण करेगा? अपूर्ण याद करेगा।
तो अंतर हो गया। अरे नारायण संपूर्ण को कहा जाता है, जो सदैव ज्ञान जल में ही रहता है, कभी भी अज्ञान जल में नहीं आता। और ज्ञान का सार है बिंदु रूप स्थित। सब देवताओं में सबसे बड़ा देवता है नारायण, वो भी संगम युगी। तो कौन से ज्ञान के सार में टिकता है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, संपूर्ण ज्ञान हो गया। शंकर में और नारायण में तो बहुत फर्क है। शंकर में शिव प्रवेश है और नारायण में शिव प्रवेश होगा नहीं? नहीं? तो पतित कौन हुआ, नारायण या शंकर? शंकर को कहेंगे वो पतित, पतित तंधारी, जिसमें प्रवेश होता है। नारायण थोड़े ही पतित तंधारी कहा जाएगा। हाँ, लक्ष्य दिया है कि उस नारायण को याद करो, जो संगमयुगी नारायण नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। उससे ऊंची और कोई हस्ती नहीं होती है दुनिया में। तो जैसे को याद करेंगे वैसे खुद भी बन जाएंगे। हाँ, पूजा की बात कर रहे हैं तो कि बाबा ऐसी के आदि में देखा जाए तो लाला लेनदेन वाली आत्मा अपनी जेब में नारायण वाली फोटो लगाती थी और कुछ नारायण की पूजा करती थी है? लक्ष्मी नारायण की पूजा करती जेब में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखता था। तो अंतिम जन्म की बात है। हाँ, तो ये साबित नहीं हो रहा, वो तो कृष्ण का आत्मा है। लाला देव का तो कृष्ण वाली फोटो है। हाँ? तो नारायण का पूजा करा लक्ष्मी नारायण। हाँ? तो बाबा क्या बोले? उन्हें पता ही नहीं था कि संगमयुगी लक्ष्मी नारायण की बात करते हैं बाबा। चित्रों में जो चित्र दिया है लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये थोड़ा ही था कि वो नारायण कौन सा है और लक्ष्मी कौन सी है। उनकी बुद्धि में तो सतयुगी लक्ष्मी नारायण की ही बात बैठी हुई है। अगर उनकी बुद्धि में ये बात बैठती कि संगमयुगी लक्ष्मी नारायण जो है वो उस हस्ती का पार्ट है जो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो वो नहीं हटाते लक्ष्मी को पांव दबाते हुए चित्र को। क्यों? क्योंकि वो पांव बुद्ध रूपी पांव है या स्थूल पांव है? वो तो बुद्ध रूपी पांव की बात है। पूजा की बंदे जा रहा है तो राम वाली आत्मा यहाँ राम वाली आत्मा शिवलिंग की पूजा कर रहा है। रामेश्वर रामेश्वर आदि की बात थोड़ा ही है, वो सोमनाथ मंदिर है द्वापर युग की आदि की बात है। नारायण की पूजा कर रहा है वो तो राजा विक्रमादित्य कर रहा है। राम वाली आत्मा कहाँ कर रही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नारायण वाली आत्मा है सतयुग का नारायण, वो नारायण को याद करती है भगवान समझ करके, वो भक्त वाली आत्मा है। और जो राम वाली आत्मा है वो लिंग की स्थापना करती है, वो लिंग को याद करती है। लिंग कौन है, ब्रह्मा बाबा है या राम वाली आत्मा है? राम वाली आत्मा है। पिछले बार एक प्रश्न दिया था तो एक प्रश्न था अनसुईया और पिता को भी अग्नि प्रवेश अग्नि परीक्षा नहीं दिया था, अनसुईया और सीता को भी अग्नि परीक्षा नहीं दिया तो राम स्वीकार नहीं करेगा। उसका जवाब बाबा ने दिया है वो सारी दुनिया को दिखाने के लिए परीक्षा लेता है अग्नि परीक्षा, परीक्षा देनी पड़ेगी। अनसुईया से क्या कनेक्शन उसका?
अनुसुईया को बीच में क्यों लाया? क्या पॉइंट आया? अरे अनुसुईया को अग्नि परीक्षा थोड़ी ही देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा माने अग्नि में कूदे, पवित्र है तो बची रहे, अपवित्र है तो भस्म हो जाए। अनुसुईया को ऐसी अग्नि परीक्षा थोड़ी देनी पड़ी। अनुसुईया की बात नहीं है, हाँ सीता के लिए। तो बाबा ने कहा है सारी दुनिया को दिखाने के लिए कहा है, क्योंकि बाबा हम तो बाबा तो सारी दुनिया को मानते ही नहीं, आपने तो मानी है दुनिया, हमारे लिए ये दुनिया ऐसा है कल कला होने वाले तो आज कला होने, तो फिर ऐसे दुनिया को आप क्यों दिखाना चाहते हैं? ऐसी दुनिया को हम क्यों दिखाना? ब्राह्मणों की दुनिया नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कहे हम नारायण है, हम पहला नंबर है, तो उनको दिखाना नहीं पड़ेगा? ब्राह्मणों की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया भी तो दुनिया है ना, उस दुनिया में कोई ऐसे ही मान लेगा कि ये अव्वल नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये आठवां नंबर का मणका है? दिखाना नहीं पड़ेगा? अरे प्रैक्टिकल प्रूफ देकर के बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बाहर की दुनिया समझ रहे ना, बाहर की दुनिया वो समझते हैं, तू बैठा ही रहता है बाहर की दुनिया में। बाबा ने बता दिया है ये सूर्यवंशी माँ है, हाँ कभी ने उनका जनन किया है, तो वो भी जानते हैं, बाबा ने बता दिया, मान लिया, हम लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? क्या दिखाने की जरूरत है? परीक्षा दे करके हाँ बाबा ने बोल दिया था, वो अनुसुईया की बात है क्या? जनन की माँ में हो, बात में हो, या सीता के बारे में हो? अरे सीता वो अब द्वयम नंबर की सीता की बात है, अब्बल नंबर सीता की भी बात नहीं है। दो नंबर की सीता जो सोने की मूर्ति बना करके रख दी, डुप्लीकेट, जगदम्बा की बात है। है क्या पूछना चाहते हैं? माई का प्रश्न था आदि में आदि में प्रजाति का हर वही मानी शिव की कलेषता एक का होती है, ऐसा है तो सभी ब्रह्मा बच्चे का सृजन है, तभी नहीं होता है, कुछ समय के बाद होता है। तो बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं एक व्यापी, बाप कहते हैं, मैं एक व्यापी हूँ, अम्मा नहीं, अम्मा के चोले में प्रवेश करें तो अम्मा हुई, एक साथ में कैसे हो सकता है? एक साथ माने सर्वव्यापी हो गए। दुनिया में भी बच्चा पैदा करते हैं तो दोनों एक साथ करते हैं कि आगे पीछे करते हैं? है बेचारा कुमार है जानता नहीं है। तो जैसे दुनिया में मिसाल दी जाती है ऐसे बाबा ने भी बोला है, मैं ज्ञान का बीज जो हूँ जिसमें डालता हूँ वो बाप का रूप है, माता के रूप में जिसमें प्रवेश करता हूँ वो बाप का रूप नहीं है, वो बीज नहीं है बाप, वो माँ है। तो माँ है धरणी और बीज है बाप। मैं ज्ञान का बीज हूँ, जब मनुष्य में प्रवेश करता हूँ तो मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, तो बाप के रूप में जब मैं आता हूँ तो एक व्यापी होकर आता हूँ, दो या चार या सर्वव्यापी होकर नहीं आता हूँ। बाप के लिए स्पेशल बोला। और माता गुरु माना क्या? इतना ज्ञान होते हुए भी राम वाली आत्मा को भी माता को गुरु बनाना पड़ता है क्या? वो भी माता से ज्ञान सीखेगा क्या? अरे
सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है? तो राम और ब्रह्मा वाली आत्मा दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? तो पवित्रता का ज्ञान किससे सीखना पड़ेगा? माता से ही सीखना पड़े। पवित्र हुए बगैर न शांति धाम जा सकेंगे न सुख धाम जा सकेंगे। सारा ज्ञान ले लिया और सारा ज्ञान दुनिया को सिखा दिया, लेकिन पवित्रता का ज्ञान न किसी को बना पाया पवित्र और न खुद बन पाए पवित्र। तो आखिरीन क्या डायरेक्शन मिला? किसका आवाहन करो? विजयमाला का आवाहन करो। जरूर विजयमाला में कोई ऊंचे से ऊंची हस्ती ऐसी बैठी हुई है फीमेल, जो दुर्योधन दुशासन का रूप नहीं है, वो जन्म जन्मांतर पवित्रता का रूप धारण करने वाली है, एक के साथ कनेक्शन रखने वाली है। पवित्रता के हिसाब से अब विचारणी है। 500-700 करोड़ मण के हैं, उनमें एक मण का ऐसा भी तो होना चाहिए जिसका जन्म जन्मांतर एक से संबंध जुटे पति पत्नी के रूप में, दो से भी न जुटे। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो प्योरिटी के हिसाब से वो आत्मा आगे और ज्ञान के हिसाब से राम वाली आत्मा आगे। दोनों बातें एक दूसरे के अरस परस हैं। ज्ञान धारण करेंगे, जितना ज्ञान की धारणा करेंगे उतनी ही पवित्रता आएगी प्रैक्टिकल जीवन में, और जितनी पवित्रता धारण करेंगे उतना ही ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा। नहीं तो मिट्टी के पात्र, देह अभिमान की मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाएगा। पवित्रता के आधार पर ज्ञान, ज्ञान के आधार पर पवित्रता। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। ज्ञान है पुरुष, और भावना ज्यादा भक्तों में होती है या ज्ञानियों में होती है? भक्तों में भावना ज्यादा होती है। वो प्योरिटी की बात है। ज्यादा साक्षात्कार बेसिक के भांतियों ने किए हैं या एडवांस के भांतियों ने ज्यादा साक्षात्कार किए? क्यों? क्योंकि भावना के आधार पर तीक्ष्ण आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं। तो अनेक जन्मों की प्योरिटी के आधार पर ज्ञान न होते हुए भी भगवान उनको प्रसन्न रखता है। खुश रहो, ज्ञान की गहराई नहीं है तो भी खुश रहो। के कारण ही तो आधीन बनना पड़ता है। पर गलतियों से व्यवस्था का खराब भी होता है, व्यवस्था भी खराब होता है। व्यवस्था भी खराब होता है। क्या खराब होता है? व्यवस्था, अवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था। हाँ, तो बेसिक में व्यवस्था खराब क्यों है? तुम्हें बेसिक में व्यवस्था खराब दिखाई पड़ रही है या एडवांस में व्यवस्था खराब दिखाई पड़ रही है? ज्यादा खराबी तुम्हें कहाँ दिखाई पड़ रही है? बेसिक में व्यवस्था ज्यादा खराब है। पवित्रता का आधार से दुखी मिल रहा है, है?
पवित्रता के आधार पर सुख उनको मिल रहा है जो वहाँ चंद्रवंश की आधार मूर्त आत्माएं हैं। बाकी और वंशों की भी तो आधार मूर्त आत्माएं हैं। वो दुखी होंगी या सुखी होंगी? वो तो दुखी होंगी। जो भाई लिखे ना बाबा, ये जो चार छोड़ी है ना, राम के तीन भाई और विजयमाला के तीन माताएं है ना, इन लोग को आठ समझ रहे हैं। ये तो गलत बात है। अष्टदेव समझ रहे हैं। ये तो गलत बात है। ये अष्टदेव ही अष्टदेवता नहीं, क्या बोलूं? और इनको देवता कहेंगे? हाँ तो ये है, ये उनकी समझ में गलत है। ऐसे ये भी है। लो जानते हो तुम? ऐसी तो कोई सीढ़ी में नहीं बताया कि हम पार्ट को बदल सकते हैं। अच्छा कितना भी करो उतना ही अच्छा करेंगे जितना कल पहले किया होगा। वहाँ पॉइंट आया, आपने समझा नहीं होगा। नहीं तो बाबा उसके जैसे समझे हमने ऐसे ही। वो वैसा ही समझो जैसा समझा रहे हैं। दोबारा समझा रहे हैं ना? उतना ही अच्छा प्रोग्राम होगा, उतना ही अच्छा पुरुषार्थ होगा जितना कल्प पहले हुआ था, उससे ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है।